कुंथल चौराहे पर कई दिनों से पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क पर जल भराव होने के कारण वहां के दुकानदारों और निवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे होने की वजह से वाहनों के निकलने पर पानी की छींटे पास की दुकानों के अंदर तक पहुंचाती हैं। सड़क किनारे नए लाइट और पोल लगा तो दिए हैं, परंतु लाइट जलती नहीं है, जिस कारण दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहां के निवासी और दुकानदार अशोक कुमार पंजाबी का कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी कोई माकूल जवाब नहीं मिला और न ही कोई कार्रवाई हुई। अशोक कुमार ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि कृपया इस जानकारी को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की कृपा करें। चंदौसी से अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट। पाइप की लाइन फट गई है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये सर नगर पालिका में आती है या पीडब्ल्यूडी में? नगर पालिका में तो अभी नहीं आई है, बताते हैं कि अभी पीडब्ल्यूडी में है या ठेकेदार ने अभी हैंडओवर नहीं किया है। और ये लाइटें लगी है सर खंभे पर, ये भी का हैंडओवर नहीं हुई नगर पालिका के अंदर। जलती नहीं है, रात में भी जलती है? नहीं जलती है, और जलती भी है तो एक आध जले, बाकी सब बेकाबू पड़ी है। मतलब लाखों रुपए की लाइट जो है बर्बाद है, करोड़ों रुपए की लाइट बर्बाद है ये।